ब्रेकअप पर क्या बोली कटरीना कैफ। अफेयर खत्म होने के बाद किस तरह कैट ने निकाला अपने मन का गुबार। इस वीडियो में हम आपको कटरीना कैफ की वो 5 बयान बताएंगे जब उन्होंने ब्रेकअप पर खुलकर बात की। रणबीर कपूर से अलग होने के बाद मुंबई मिरर से एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने कहा, कई बार अपने लिए बहस करने के चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। मुझे दोस्त से ज्यादा दुश्मन पर अब भरोसा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ब्रेक लेना जरूरी था। मेरी माँ ने कहा, कई लड़कियां और महिलाएं इस पड़ाव से गुजरती हैं। कैट ने इस इंटरव्यू में जो कहा उसने फैंस को चौंका दिया था। इसी तरह कटरीना कैफ जब नेहा धूपिया के टॉक शो पर पहुंची तो वहां भी उन्होंने अपनी ब्रेकअप लाइफ पर खुलकर राय रखी। हालांकि इस बार भी सवाल के जवाब में सिर्फ रणबीर कपूर ही थे। कटरीना कैफ ने कहा, वो मेरी जिंदगी का अलग दौर था। मेरा पूरा ध्यान अपनी रिलेशनशिप पर था। मैं खुश थी। मैं अफसोस के साथ कुछ नहीं कहना चाहती। मैंने काफी कुछ सीखा। गौर करने वाली बात यह है कि इस इंटरव्यू में कैट ने पीछे मुड़कर नहीं देखने की बात पर जोर दिया। कटरीना कैफ ने तीसरी बार इंटरव्यू फिल्म फेयर को दिया। इस इंटरव्यू में कटरीना कैफ को अपने पुराने रिलेशनशिप पर काफी पछतावा दिखा। कैट ने कहा, जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज पर आकर अटक जाते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप कोई भी काम करो वो समय समय पर आपको याद आ जाता है। कई बार सोचती हूँ कि आखिर कोई चीज किसी इंसान को इतना परेशान कैसे कर सकती है। ऐसे में मैंने काफी रिसर्च की। अब मैं चीजों से भागती नहीं, डटकर उनका सामना करती हूँ। मैं अब सब कुछ फेस करती हूँ। कटरीना कैफ ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि किस तरह वो योग टीचर के सामने रोने लगी थी। हालांकि उस दौरान अपने आंसुओं को छिपाने की बहुत कोशिश की थी। इसी तरह कटरीना कैफ ने एक बार डीएनए के इंटरव्यू में भी रणवीर से ब्रेकअप पर बेबाक राय रखी। कैट ने कहा, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं, जब होना है तभी होगी। अभी तो मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। खुद को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहती हूँ। जब आप सिंगल होते हैं तो आपके पास खुद के लिए समय होता है और नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। इस इंटरव्यू में कैट ने ब्रेकअप को किसी वरदान से कम नहीं माना। इसी तरह एक बार कटरीना कैफ ने रणबीर कपूर के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों पर एक और बात कही। उनकी एक लाइन ऐसी थी जो लाइमलाइट में आ गई। कैट ने कहा, अगर जग्गा जासूस फ्लॉप हो गई तो रणबीर कपूर के साथ काम नहीं करूंगी। हालांकि बाद में कैट ने वादा तोड़ दिया और रणबीर कपूर के साथ मोबाइल के शूट पर नजर आई थी। दोस्तों, कटरीना कैफ के इन बयानों को आप किस तरह देखते हैं और कौन सा बयान ब्रेकअप पर सबसे ज्यादा धमाकेदार था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।